आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थडे या फिर आपकी वाइफ का बर्थडे, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आप मिस करोगे। तो जो कोई भी 21 ईयर्स में ज्वाइन हो रहा है और उसे 50 से 70 हज़ार की सैलरी उसी टाइम पे मिल रही है, तो कितने जल्दी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है अपने आप वहाँ पे अकेले रहते हो, कोई फैमिली नहीं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, आपको कुछ भी करना है अपने आप से ही करना है, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने हो। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, जय श्री राम। तो आप सबको सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भी सुबह आज जल्दी उठ गया था। जैसे मकर संक्रांति पे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेना चाहिए, और स्नान करने के बाद में सूर्य देव को जल चढ़ाया, और उसके बाद में कुछ नहीं, नॉर्मल अपना रूटीन, घर का काम वाम किया, और अब लाइक फ्री है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रूज शिप पे काम करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स कह सकते हो आप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हर चीज़ के होते हैं पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं, तो क्रूज शिप के भी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरी एंड तक वीडियो देखिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने सब्सक्राइबर्स भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के लिए जो क्रूज शिप पे करियर चॉइस करना चाहते हैं, तो उनके पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नुकसान से, और फ़ायदे हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे मेन नुकसान ये होता है कि क्रूज शिप पे जब आप काम करते हो तो आप अपनी फैमिली से एक लंबे समय तक दूर रहते हो। एक लंबे समय से मानो 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने, आप डिपेंड अपॉन आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीनों का है, तो आपकी फैमिली लाइफ से यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या फेस्टिवल है, क्या फंक्शन है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें से आप अवॉइड रहते हो, आप नहीं आ पाते घर, क्योंकि एक बार आप गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म होगा तभी आप घर पे आ सकते हो। बीच में अगर किसी की शादी आ गई हो, कोई त्यौहार पड़ रहा हो, दिवाली होली, या तो आप दिवाली मना सकते हो या होली, या फिर कभी कभार दोनों ही नहीं मना सकते। और फिर किसी का बर्थडे हो, जैसे कि आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थडे या फिर आपकी वाइफ का बर्थडे, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आप मिस करोगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो आपको अपना जो शिप का जो शेड्यूल है वो प्री प्लान करना होगा, अगर आप ये सारे चीज़ें मनाना चाहते हो या फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हो या बर्थडे पे आना चाहते हो, तो इस तरह से आपको मैनेज करना होगा, बट इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। तो अब दूसरा नुकसान आपको बताऊं तो वो ये है कि आप घर के खाने से, खाने पीने से, घर के जो भी माहौल से, जो भी घर का जो फीलिंग होती है उससे दूर होते हैं, लाइक घर से ही आप दूर होते हो, तो वो अटैचमेंट आप नहीं पा सकते। और प्लस जैसे क्या होता है, आपके घर पे टाइम अलग होता है और आप क्रूज़ पे हो, शिप पे हो, तो वहाँ का टाइमिंग अलग होता है, तो घर से बातें करना, कम्युनिकेशन करना भी काफ़ी टफ हो जाता है। तो और आपकी ड्यूटी टाइम्स भी ऐसी होती हैं कि जब आप फ्री होते हो तो ये यहाँ पे सो रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, और जब ये फ्री होते हो तो या आप सो रहे होते हो या काम कर रहे होते हो, दोनों एक दूसरे को टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं बताऊं कि यूरोप का टाइमिंग और इंडिया का टाइमिंग देखा जाए तो 4 साढ़े 4 घंटे का डिफरेंस होता है, उसके बाद में आप US चले जाओगे तो 11 से 12 घंटे का डिफरेंस होता है, ब्राज़ील में 7 से 8 घंटों का डिफरेंस होता है। तो टाइम डिफरेंस हर कॉन्टिनेंट में एक अलग अलग होता है, तो वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी आवर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कहीं पे भी आप चले जाओ नॉर्मल एक एवरेज 8 घंटे की ड्यूटी है, मानो 9 घंटे भी हो जाते होंगे, लेकिन वहाँ पे 11 घंटे की ड्यूटी है, यानी कि 10 से 11 घंटे एक नॉर्मल ड्यूटी है, 10 से 11 घंटे आपको करने ही हैं। जो वॉच पे काम करते हैं उनका भी ऐसा ही होता है, 2 वॉच होती हैं 4 4 4 4 घंटे की, और बीच में आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम करना होता है, ये तो मिनिमम 10 आवर्स की आपकी करनी ही करनी है, और प्लस एडिशनल कोई काम आ गया या फिर काम आपका ऐसा है कि जो टाइम लेता है काम, जैसे कि मैं बात करूं किचन में जो काम करते हैं, गैली में जो काम करते हैं, वो उनकी ड्यूटी तो 15 घंटे 14 घंटे 13 घंटे, किस किस की तो 17 घंटे भी हो जाती है, ऐसे कहते हैं, तो बहुत टफ है। उसमें प्लस आपको अपना ब्रेक टाइम निकालना है, आपको शावर लेना है, आपके कपड़े धोने हैं, और नए यूनिफॉर्म, जो भी कुछ एक नॉर्मल काम होता है वो करना है, फिर सोना भी है, और फिर घर पे भी बात करना है, और उतना टाइम घर वालों को देना है, तो ये चीज़ नहीं हो पाती है, बहुत ही टफ होती है। प्लस जैसे कि मैंने बताया टाइम का प्रॉब्लम, तो ये चीज़ होती है, और हम सबको लगता है कि जब हम फ्री होते हैं तब हम अपने घर पे कॉल करें और
और जब वो फ़ोन नहीं उठा पाते या कुछ काम कर रहे होते तो हमें लगता है कि लो वो हमारे लिए टाइम नहीं दे पा रहे हमें, हालांकि वो यहाँ पे ऑलरेडी बिजी होते हैं। तो ऐसे ही वो समझते हैं जब वो कॉल करते हैं और हम उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, वो भी यही समझते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है काफ़ी कि कोई हमें टाइम नहीं दे रहा या फिर वो काम में बिजी होता है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उन्हें पता नहीं होता। लेकिन लिटरली बताऊँ शिप पे हम ज़्यादा फ्री होते ही नहीं है, दिन भर अपने काम से लगे होते हैं, फिर हमको खाना भी खाना है। आपको पता है खाना खाने में कितना टाइम लग जाता है, मेस में जाओ, अपने कैबिन से मेस में जाओ या अपने काम पे से मेस में जाओ। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, अपने फैमिली को टाइम देना बहुत ही कम हो जाता है ऑनलाइन भी, मतलब सोशल पे जैसे वैसे फिजिकल तो हम है ही नहीं, रहते ही नहीं है, काफ़ी समय बाहर ही रहते हैं, लेकिन मोबाइल पे भी हम बहुत कम समय दे पाते हैं अपनी फैमिली को। तो बहुत से लोगों को होम सिक वाली बीमारी भी होती है, अपने घर से दूर तो होम सिक, घर वालों की याद आती है, इमोशंस की याद आती है। और ये हालांकि जो पहली बार जाते हैं शिप पे वो उन्हें ज़्यादा होता है होम सिक की प्रॉब्लम, मुझे भी हुई थी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक हफ्ते तक मैं ऐसा लग रहा था कि मैं शिप पे क्यों आया हूँ, मुझे वापस जाना है। और जब भी मैं घर पे वीडियो कॉल करता था तो उनसे बात करता था, मुझे रोना आता था कि ये सब यहाँ पे हैं और मैं शिप पे हूँ। क्यों, बहुत अकेलापन हो जाता है जब आप स्टार्टिंग में जाते हो, कोई आपको यार दोस्त नहीं मिल पाता है, आपको होम सिक की फीलिंग आती है कि मुझे घर जाना है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने जैसे तैसे करके 7 महीने, मुझे ही पता है कि मैंने किस तरह से निकाले थे क्योंकि बहुत टफ था पहली बार, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि यूज टू इट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया तो यूज टू इट हो गया, कि यार दोस्त बन गए तो यूज टू इट हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में बताऊं तो होम सिक हो जाते हैं और घर वालों की याद आती है और लगता है कि हम शिप पे क्यों आए। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा जो भी फर्स्ट टाइम शिप पे ज्वाइन होगा, 99.9% लोग रोएंगे ज़रूर, कहेंगे कि हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। और मैं ये गारंटी देता हूँ अगर नहीं ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट करना, बताना कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होता ज़रूर है। तो और एक नुकसान लाइक ये लास्ट में बताऊंगा, उसके बाद फ़ायदे पे हम चलेंगे। तो जैसे कि कोई संडे नहीं होता, कोई ऑफ डे नहीं होता वहाँ पे, आपको जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ और जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता हो जाता तब तक आपकी ड्यूटी चालू ही रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वीकेंड्स है कुछ है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, रोज़ आपका सेम रूटीन रहेगा। सुबह उठना है आपको, जैसे आपकी ड्यूटी है 6 बजे 7 बजे, और फिर जब रात को ख़त्म होती है तब आपको सोना है, नॉर्मल रूटीन। आप कई बार बोर भी हो जाते हो, वही ड्यूटी वही लोगों को आपको देखने मिल रहा है, वही खाना, खाने में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, 21 डेज का मेन्यू होता है तो रिपीट होते रहता है, तो सेम वही और रोज़ की रोज़ ड्यूटी। यहाँ पे होता है ना जैसे कि आपने हफ्ते के 6 दिन काम किए, कुछ लोगों को 5 दिन ही काम होता है, कुछ लोगों को 6 दिन होता है, एक दिन संडे मस्त मिलता है, आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, घर पे रह सकते हो, बढ़िया खा पी के एक वीकेंड टाइम एंजॉय कर सकते हो, नहीं वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो काफ़ी नुकसान बता दिए मैंने आपको, तो इतने काफ़ी है, इतने नुकसान होता है ये। तो अभी फ़ायदों की तरफ चलते हैं कि क्रूज शिप पे काम करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये है कि क्रूज शिप पे काम करने का, कि आपको पूरी दुनिया देखने मिलती है, आप पूरी दुनिया देख सकते हो, पूरा वर्ल्ड आप देख सकते हो, कंट्री। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यूरोप तो मैंने 60-70% देख ही रखा है, उसके बाद में ब्राज़ील देख रखा है, और अभी इस बार मैं यूएस जा रहा हूं, तो इस बार यूएस भी अपन देख लेंगे। बाकी के तो बचे हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट बचे हैं अपने, लेकिन वो कहते हैं ना साउथ अमेरिका अपना हो चुका है, और अभी यूएस जाऊंगा तो यूएस का हो जाए, यूरोप भी देख लिया है, और एशिया में तो हम रहते ही हैं। और आपको जैसे कि कुछ 7 वंडर्स जैसे कहते हैं वो चीज़ें भी देखने मिलती है। जैसे मैं बताऊं, मैंने पेरिस का आइफल टावर देख रखा है, और ब्राज़ील में था तब मैंने सेंट वो जीसस क्राइस्ट का एक बड़ा स्टैचू है उसको देख रखा है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि लंदन ब्रिज और ये। अब जैसे कि हम यूएस जाएंगे तो न्यूयॉर्क वगैरह ये सब चीज़ें घूमेंगे, तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है, आपको वर्ल्ड एक्सपोजर करने के लिए मिलता है, आपको बहुत चीज़ें देखने मिलती हैं। और प्लस ये होता है कि जब आप शिप पे काम करते हो तो वहाँ पे बहुत सी नेशनलिटी के लोग काम करते हैं, तो उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलता है, उनसे आप कम्युनिकेट करते हो, तो उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका खाना और उनका स्वभाव, ये सब चीज़ आपको जानने मिलते हैं कि वो कैसे रहते हैं और हम कैसे रहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के लोग तो वहाँ पे काम भी करते हैं, जैसे कि मैं अपनी कंपनी की बताऊँ तो केनिया, अफ्रीका, सब सब जगह से, फिलीपीन, इंडोनेशियन, सब जगह से लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में जानने मिलता है। और कई कई लोग तो उनकी लैंग्वेज भी सीख जाते हैं,
उनके कल्चर को भी सीख जाते हैं। होता है, सबको पसंद आता है। जैसे कि मैं बताऊं तो मुझे थोड़ी थोड़ी इटालियन सी आती है, थोड़ी थोड़ी इंडोनेशियन आती है, तो जब वो मिलते हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ बताऊँ तो क्रूज शिप पे आप बहुत कम उम्र में ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 21 ईयर्स, 21 ईयर्स में आप ज्वाइन हो सकते हो, और 21 ईयर्स में आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। मैं बताऊँ क्रूज शिप पे काम करने के आपको कम से कम 50 से 70 हज़ार स्टार्टिंग में सैलरी कोई भी कंपनी में मिल जाएंगे, ये तो मिनिमम मिल जाता है। तो जो कोई भी 21 ईयर्स में ज्वाइन हो रहा है और उसे 50 से 70 हज़ार की सैलरी उसी टाइम पे मिल रही है, तो कितने जल्दी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है अपने आप में, वो आप देख सकते हो। कि स्टार्टिंग से उतने पैसे कमा रहा है तो उस हिसाब से मैनेज करेगा। और शिप पे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी वहाँ पे काम करते रहिए। आप 10 साल काम कर लीजिए, जैसे 10 कॉन्ट्रैक्ट मार लीजिए और अपना एक बजट बना लिए कि 5 कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ये करना है, 5 कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ये करना है, इस तरह से आप मैनेजमेंट करके चलिए। क्योंकि बहुत से लोगों की फैमिली कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, तो उस हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं। जब तक आप अपन सेटल ना हो जाए, या फिर कोई कोई करते भी हैं, ऐसे बहुत से लोगों ने किया है, उन्होंने 5 या 10 कॉन्ट्रैक्ट अपने किए हैं, घर बना लिया, छोटा मोटा बिजनेस डाल लिया, तो रिलैक्स लाइफ वो जी रहे। तो क्योंकि शिप पे लाइक मेन फायदा ये है कि आप एक साथ में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो जल्दी। जैसे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो और जिस किसी की 50 हज़ार सैलरी है, 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 8 पाँचे हुए 40, आपके 4 लाख हो गए। और शिप पे खर्चा तो ना के बराबर है, कुछ भी खर्चा नहीं है। ये भी एक एडवांटेज है, फ्री खाना फ्री रहना। आदमी का खर्चा क्या होता है? खाना और रहना। वहाँ पे खाना फ्री मिलता है, रहना फ्री मिलता है, तो सारी सैलरी आपकी सेव होती है। सिर्फ इंटरनेट का आपका खर्चा है, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि मान के चलो आपकी 50 हज़ार सैलरी है, तो अगर महीने में 1,000 या 2,000 आपने इंटरनेट पे खर्च भी कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बाकी सब तो फ्री है। और फिर आपके ऊपर है कि आप वहाँ पे कैसी लाइफ जीते हो। अगर आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे बाहर, आपको शॉपिंग करनी है, वो एक पर्सनल वॉन्ट्स है, नीड नहीं है। लेकिन नीड जो है खाने की और रहने की, वो वहाँ पे फ्री मिलती है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिप पे आप एक साथ एक जल्दी पैसा बना सकते हो। और अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से अपनी फाइनेंशियल स्टेबल बन सकते हो। तो जैसे कि शिप पे बहुत सी चीज़ें फ्री होती है, जैसे खाना और रहना तो मैंने बताया कि ये फ्री है ही। उसके बाद प्लस आप अपने जो यूनिफॉर्म होती है वो आप लॉन्ड्री फ्री होती है उसकी, जैसे कि उसकी वॉशिंग आप जाके फ्री होती है। आप अपने पर्सनल कपड़े भी वॉशिंग मशीन में जाके धो सकते हो, वो फ्री होता है। तो ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। उसके बाद में जैसे कि वहाँ पे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि एक क्रू पार्टी होती है, कोई कोई शिप में वो 15 दिन में होती है, 1 हफ्ते में होती है, तो उस हिसाब से होती है। तो आप वहाँ पे एक रिलैक्स, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि इतने दिन काम करने के बाद नो ऑफ्स, नो संडेज, जैसे कि मैंने बताया। तो क्रू पार्टी वैसे जैसे इवेंट्स हो, गाला नाइट होती है, तो वहाँ पे एक आदमी आपको रिफ्रेशिंग मिल जाता है। देखिए नुकसान भी हैं तो फायदे भी हैं। तो ये लास्ट फायदा मैं बताऊंगा, वो ये है कि आपको एक अच्छी लाइफ, लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में एक लाइफ लेसन जैसे कि मैं कहूँ, वो बहुत अच्छे से जानने मिलता है शिप में। क्योंकि आप वहाँ पे अकेले रहते हो, कोई फैमिली नहीं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, आपको कुछ भी करना है अपने आप से ही करना है। लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने हो या फिर कोई भी चीज़ हो, क्योंकि हम शिप पे रहते हैं तो मोस्टली क्या होता है, हमें जो इंडियन भाई हैं उनसे हम दोस्ती रखते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं, ताकि एक फैमिली टाइप हो जाए। तो वो चीज़ आपको अच्छे से मिलती है, लाइफ को आप सीखते अच्छे हो। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो इंसान मुंबई और दिल्ली में रहता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक लाइफ अलग है। तो उसी तरह से शिप पे भी एक लाइफ अलग होती है, एक अलग ही लाइफ होती है। मैं कहूँगा कि जो लैंड पे लाइफ है, जैसे कि आप घर पे जो लाइफ है, जो काम करने की, वो टोटली ऑपोजिट शिप की लाइफ होती है। तो वो चीज़ है, आपको अपने बारे में जानने मिलता है, सबके बारे में जानने मिलता है शिप पे। तो शिप पे और शिप पे काम करना वही है जैसे कि जो मिलिट्री में काम करते हैं, आर्मी ऑफिसर्स हमारे जैसे भी जो कुछ हैं, उसी तरह की लाइफ होती है। जैसे उनका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो भी जाते हैं तब 3-4 महीने के लिए जाते हैं, फिर थोड़े दिन वेकेशन के लिए आते हैं, 20-25 दिन बिगर फैमिली के। तो उसी तरह से हमारा भी होता है, बिगर फैमिली के हम भी जाते हैं, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जिस हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने टाइम वहाँ पर रहते हैं।
फिर आते हैं 2-3 महीना आराम से वेकेशन। और ये भी एक फ़ायदा है कि जब आप वेकेशन पे आते हो तो आपका कॉल होता है कि आपको कितने दिन यहाँ पे रुकना है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। कंपनी आपको कहती है कि नेक्स्ट ज्वाइनिंग आपको कब लेनी है, तो आप उस हिसाब से बता सकते हो, तो फिर उसके हिसाब से वो आपकी ज्वाइनिंग प्लान करते हैं, तो ठीक से आप अपनी ज्वाइनिंग भी दे सकते हो। ये एक फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हो तो रुकिए ज़्यादा, वरना 2 महीने 3 महीने, मेरे ख्याल से 3 महीना इनाफ है वेकेशन, 3 से 4 महीना, 4 महीना भी इनाफ है, क्योंकि इतने बार बार आप फैमिली के साथ रह नहीं पाते, तो 4 महीना, एक 3-4 महीना ठीक है। तो बस यही थे फ़ायदे और नुकसान। तो जो कोई भी क्रूज शिप पे अपना करियर सेलेक्ट कर रहा है या करना चाहता है, तो ये चीज़ें पहले से ही आप ध्यान रख लीजिए कि कैसी लाइफ होने वाली है और किस चीज़ों को आप मिस करना चाहते हो, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है क्रूज शिप पे, आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और मिस इसीलिए करते हो, फैमिली से दूर इसीलिए रहते हो क्योंकि आप उनको एक अच्छी लाइफ दे सको। हम शिप पे क्यों जाते हैं? अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें, वो तकलीफ़ में ना रहें, इसीलिए हम शिप पे बाहर जाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। लोगों को क्या लगता है कि शिप पे है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत पैसे छाप रहा है, डॉलरों में कमा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कमा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं, और अपने फैमिली के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, और कोई ज़्यादा बड़ी लाइफ नहीं है, VVIPs नहीं है, हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल एवरेज इंसान है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बस ये है कि लोगों को लगता है कि हम इतने कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। जो स्ट्रगल, जो फैमिली के बिगैर लाइफ वहाँ पे होती है, और काम तो पूछो ही मत, बहुत काम होता है, जैसे कि मैंने बताया 11-12 घंटे, किसके कोई कोई 17-18 घंटे भी काम कर रहा है, और सोच सकते हो आप 17-18 घंटे शिप में काम करना, फिर अपना खाना खाना, फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे भी बातें करना थोड़ा 10-5 मिनट 15 मिनट जो भी है वो भी होता है, तो बहुत चीज़ें मिस करते हैं। तो बहुत लाइफ तो बहुत टफ होता है शिप पे काम करना, इट्स नॉट ईजी, मैं कहूँगा लाइफ बहुत टफ है, बट लाइफ का जो एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप अंडरस्टैंड जो लाइफ लेसन मिलता है ना, वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ये चीज़ है, पैसे तो हैं ही, आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, तो आपके ऊपर है, आपको क्रूज शिप करियर में सेलेक्ट होना है, जॉब करनी है कि नहीं करनी, इट्स योर कॉल। तो ये चीज़ है, तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, इस वीडियो में, और कमेंट करिए आपको और कैसा वीडियो देखना है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो बस इतना ही, चलो अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।